हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्श्वेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो का टॉपिक है विषाणु या वायरस से होने वाले रोग। तो ये अपने फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम में ये पूछता है कि बीमारियों का नाम दे देगा, रोग का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये विषाणु जनित है या वायरस, जो भी है कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि निम्न में से कौन से विषाणु जनित रोग है, तो आपका रोग का नाम दे देगा, आपको बताना होगा कौन से इसमें वायरस से रोग आपका होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें है क्या। तो इसमें सबसे पहले है आपका एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हर्पिस, डेंगू ज्वर, ट्रेकोमा, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया, छोटी माता, पोलियो, हेमेटाइटिस, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रिक के थ्रू देखेंगे। तो ट्रिक है आपका, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो मेन हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो वायरस है, वायरस या विषाणु जो है वो अपने चाचा से कह रहा है। ठीक है, वायरस या विषाणु अपने चाचा से कह रहा है कि, वायरस कह रहा है कि ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो मेन हाँ, ऐसे आराम से वो बात कर रहा है। तो इसमें क्या है आपका, ए से एड्स, चाचा से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, ह से हर्पिस, डा से डेंगू ज्वर, ट्रे से ट्रेकोमा, ख से खसरा, रे से रेबिज, गाल से गलसुआ। आपका पे याद करो या चाहे पी याद करो, क्योंकि देखो आप पे से भूल सकते हो, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना, पे या पी कुछ भी कर सकते हो आप। तो आपका पे से पीलिया, छा से छापो, सॉरी छा से छोटी माता, प से पोलियो, मेन से मेनिंजाइटिस और हाँ से हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये आपके है ट्रिक के थ्रू, आप इसको याद रखोगे अगर ये चीज़। ठीक है, इसको याद रखोगे, मेन आपका ये आपका ट्रिक है। अगर इसको आप याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं आपको कौन से विषाणु के द्वारा रोग या वायरस के द्वारा रोग है। तो इसमें ये देखो, आप ट्रिक याद करो, ये जो ट्रिक है आप याद रखोगे तो आप ये भूल भी सकते हो कि कौन सा ट्रिक आपका, और भी आगे ट्रिक मैं बताऊँगी तो उस पर कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसको याद रखना कि वायरस जो है, ठीक है, वायरस अपने चाचा से कह रहा है, इसका ध्यान रखना, नाम रखना कि वायरस अपने चाचा से कह रहा है कि ए चाचा इन्हें डांटो खड़े गाल पे छापो मेन हाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया कर लीजिएगा, हाँ, जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग तो कौन कौन से हैं आपके, प्लेग, टीबी, काली खांसी, डिफ्थीरिया, कुष्ठ रोग, निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, हैजा। ठीक है, ये आपके जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इसको हम ट्रिक के थ्रू देख लेंगे, और ये ट्रिक मैंने खुद को बनाया है, इसको आप देख लीजिए, आप ट्रिक आपको अच्छा लगेगा। जैसे मेरे और भी वीडियो में मैंने आपको ट्रिक दिया है तो आपको अच्छा पसंद आया है, आपने लाइक किया है उसको, तो इसको भी आप लाइक करो, अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए इसमें क्या है देख लेते हैं कि एक बैक्टीरिया एक लड़का है। ठीक है, बैक्टीरिया या जीवाणु जो भी कह लीजिए, बैक्टीरिया एक लड़का है, तो वो क्या एक प्लेट देखता है। ठीक है, तो उसको जो प्लेट देखता है तो वो बोलता है कि, देख के उसको, कि प्लेट का डेप्थ कुछ न्यू टिन टाइप है। उसने टिन का कहीं कुछ देखा रहा होगा तो उसके लिए कह रहा है कि प्लेट का डेप्थ, डेप्थ मीन्स जानते हो आप कि उसका गहराई, तो वो कह रहा है कि प्लेट का डेप्थ कुछ न्यू टिन टाइप का है, टिन यानी कि जो उसने देखा था। ठीक है, तो बैक्टीरिया कह रहा है कि प्लेट का डेप्थ कुछ न्यू टिन टाइप है। तो क्या है इसमें आपका, प्ले से प्लेट, ट से टीबी, क से काली खांसी, डेफ से डिप्थीरिया, कुछ से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, टिन से टिटनेस, टाइप से टाइफाइड और है से हैजा। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखोगे, इम्पॉर्टेंट है, तो आप खुद देख लो आपका क्या है, प्लेट का डेफ्थ कुछ न्यू टिन टाइप है। ठीक है, तो इसमें आप, मैंने कहा कि इसको आप याद ऐसे याद करोगे तो आप वायरस और बैक्टीरिया में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उसमें क्या था आपका, वायरस ने अपने चाचा से कहा था, यहाँ बैक्टीरिया क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया एक टिन का प्लेट देख के, बैक्टीरिया एक प्लेट देख के उसके बारे में बता रहा है कि प्लेट का डेप्थ कुछ न्यू टिन टाइप का है। तो याद रखिएगा कि प्लेट बोल रहा है, सॉरी बैक्टीरिया बोल रहा है। ठीक है, तो आप इससे कन्फ्यूज नहीं होगे, नहीं तो पता चला कि वायरस का बैक्टीरिया में, वायरस और बैक्टीरिया में आप कन्फ्यूज हो गए इसके ट्रिक में। तो चलिए, और अभी तक आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।